Here we go, the capital of Sat. ये है जी ग्रेट सील ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। ये इनका पुराने दौर का बर्ड वगैरह है और ये कैलिफोर्निया का पासपोर्ट होता था पहले, जो जैसे हमारा है इसी तरह का है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये कैलिफोर्निया के फ्लैग है। और यहाँ पे इसका जो बियर है, जो भालू है, वो इनका सिंबल है, जो नेशनल मतलब जो सूबे का या स्टेट का जो सिंबल है, रियासत का जो सिंबल है। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे यही मिलेगा। और ये गोल्ड है भाई, 1000 ग्राम का सोना है, सोने का लॉकेट है ये। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी एडवेंचर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। आप देख रहे हैं रमेश जयपाल व्लॉग, और यहाँ से आपको देख सकते हैं ये कैलिफोर्निया है, इसमें वो सारी हिस्ट्री मौजूद है। और पुरानी सील से ये कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे जो है वो स्टार और स्टेट मोटो शिप है। स्टेट का क्या मोटो है, क्या करना है उसमें ग्रीक में। और ये है ग्रेट सील अगेन, कैलिफोर्निया ग्रेट सील मिनर्वा, जो यहाँ की फाइटर थी। और बियर है, फिर अनगोल्ड माइनर यहाँ पे है। और ये है जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उसकी स्टेट की जो सील है वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो इनके जो पुराने हीरोज़ थे उनकी ये वीडियो है। और यहाँ पर फिर जो है ये जी ग्रेट स्टेट सील ऑफ कैलिफोर्निया। और ये लेडी है अर्का, इसके बारे में आपको आगे चल के ज़रूर बताएंगे। The style of the building is what's called neoclassic, or Greek Roman Revival, very common for a governmental building from the mid-19th century. In this style of architecture, there are some very common features, and there are 32 other state capitals and a U.S. capital in this style of architecture, so very common. Your beautiful capital there in Lincoln is not in this style. It was built in the 1930s and in a very much more of a modern deco style architecture. So common features of this kind of architecture, one is the symmetry of the building. You have something on the left, you've got something equal on the right. It balances out, very pleasing to the eye. Another feature is the dome structure on the top of the building. You have an important building like this, first thing you want to do, you want to build it up high, you want to get people's attention. Hey, come over to me, I'm important. But in 1869, we're building with just brick construction, so we can't go up very high. So there's an inner dome to the building, a brick and iron, and that's 120 feet high. That's what we see in the rotunda. And then that's covered with a lighter weight shell of wood and copper to give you the extra height to the total of 210 feet to the gold ball at the top of the cupola. So there's an inner and outer dome to the building. Again, very common for a dome structure in this era. And then the massive stone steps in the front of the building that would carry you up to the grand entrance on the second floor. If you came around the front of the building today, there's no steps like that out there. They never built them. They either ran out of money or they ran out of time. There's a lot of different stories. The simple fact is they just didn't build the stairs. They made the entrance on the first floor, and when we get up to the second floor, we're going to be inside of that grand entry area. It becomes हाँ जी, तो आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के मेंबर्स की तस्वीर है, फर्स्ट से लेकर 80 मेंबरों तक और सुबह की। और ये जनाब आप कैपिटल के अंदर जो बाहर से आपने बिल्डिंग देखी थी उसी तरह का कैपिटल की अंदर की बिल्डिंग की वीडियो है। और ये लोग विजिटर यहाँ पे आए हुए हैं और वो सामने झंडा है कैलिफोर्निया स्टेट का, और ये यहाँ पर अमेरिका का झंडा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी वो जो ऊपर से आपने गोल बिल्डिंग देखी है उसकी कशीदाकारी और वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा। जैसे आपने अमेरिका की जो कैपिटल है उसकी जो वीडियो देखी थी, जो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, ये सेम उसी तरह की एक बिल्डिंग है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो यहाँ पर है साक्रामेंटो में, जो कि कैलिफोर्निया का कैपिटल है। और इसके अंदर भी ऐसे काफ़ी सारी जो है वो खूबसूरत
बिल्डिंग को बनाने के लिए कशीदाकारी की गई है और इसकी काफ़ी मंजिलें बनाई गई हैं, तो उन मंजिलों के अंदर काफ़ी सारा हाँ जी, तो आप देख रहे हैं ये इसकी कैलिफोर्निया की सील है उसके बारे में, साथ यहाँ पे जीन्स यहाँ से शुरू हुई है और इसके अलावा यहाँ पर गोल्ड भी यहाँ से शुरू हुए हैं, गोल्ड भी यहाँ पे उस दौर में निकला गया है। ये 1800 सदी के, उसके 18वीं सदी की बात है। और यहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं जैसे मछलियाँ हैं, परिंदे हैं कौन कौन से, और यहाँ पे कौन से हशरात पाए जाते हैं, ये उनका एक छोटा सा म्यूज़ियम है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से जानदार या जानवर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे तलोर की तरह का ये जानदार है, यानी कि वो भी यहाँ पे जो है वो भी पाया जाता है। फिर यहाँ पे पुराने किस्म की जो गाड़ियाँ शुरू में जो बनाई गई थी, जो डिज़ाइन थे वो दिखाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ जो फूलों की जो है वो भी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर, जो लोग बाहर फील्ड में जाके नहीं देख सकते तो वो भी यहाँ देख लेते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये आपको बहुत ही यूनिक किस्म के पत्थर हैं वो यहाँ पे निकलते हैं। ये दूसरा गोल्ड है यानी सोना भी यहाँ पे निकलता है, और अच्छे अच्छे मतलब बहुत ही आला किस्म के। और यहाँ की जो मिट्टी है वो यहाँ पे ज़रखेज़ है और बहुत ज़्यादा पथरीली भी है, और हर तरह की मिट्टी आपको यहाँ पे मिलती है। और काफ़ी सारे यहाँ पे जो पुराने हैं, आई लव यू कैलिफोर्निया। अब आप जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है जी गवर्नर प्राइवेट ऑफिस 1906 का, तो ये जी गवर्नर का जो 1906 में गवर्नर थे उनका प्राइवेट रूम था, वो 1-to-1 लोगों से मिला करते थे। यहाँ पर आप ये जो 1-to-1 मिलता करते थे वो सोफे पे बैठते थे, और उसके साथ सामने वाली कुर्सी पे कोई भी बंदा आके देखता गवर्नर बैठा और आके उनसे मिल लेता था। और ख़ास बात यह है कि उस दौर में यहाँ पर लाइट नहीं होती थी। और ये जनाब उसकी ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि आपकी जो यहाँ कैलिफोर्निया की स्टेट असेंबली जो है उसका अंदर वाले गुंबद का अंदर वाला हिस्सा है, जहाँ से आपको ये थर्ड फ्लोर पे हम मौजूद हैं और थर्ड फ्लोर से आपको इस तरह से नज़र आता है। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लगाई हुई हैं, मतलब जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नर्स हैं, और उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, या स्पीकर्स हैं जो उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। आगे चल के आपको दिखा सकते हैं कि आर्नल्ड्स जो है वो यहाँ के गवर्नर रहे हैं कैलिफोर्निया के, जो फिल्म स्टार आर्नल्ड्स हैं, तो वो उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी और भी बेहतरीन किस्म की कशी original to the building from 1869, the story of a German immigrant who came here during the gold rush and figured he'd be better off if he went back to his profession, which was furniture making, rather than trying to dig for gold. So he was commissioned to make these. They're in the style of a German school desk. On the side, you'll see a microphone. That's how they address their fellow members. When they wish to speak on the bill, हाँ जी, तो आपने असेंबली देखी है, आप देख रहे हैं रमेश जय पॉल व्लॉग, इस व्लॉग के साथ बने रहिए और देखते रहिए।